नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अब समांतर चतुर्भुज के कोणों का अनुपात अगर 3:2 है, तो वो दो एंगल हमारे पास कौन से हो जाएंगे, दो कोण 3x और 2x। अब जो आसन्न कोण होते हैं, वो होते हैं जिनका योग हमें 180 होता है, 180 होता है जिनका योग। अब दो कोण जो हैं जिनका रेशो 3:2 है, तो वो हो जाएंगे 3x और 2x। अब 3x प्लस 2x जो है, अगर इनको प्लस करते हैं, इनका योग जो है वो 180 होगा। तो 180 3x प्लस 2x 5x होता है, 5x इक्वल टू 180, 180 5 डिवाइड करेगा 180 को, तो आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू आ गई 36। अब 3x जो है वो 3 × 36 है, 3x x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम 36, तो 3 × 36 दैट इज़ 108। और 2x है दूसरा कोण, तो 2 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 72। तो वो चारों कोण कौन से बनेंगे हमारे, 108, 72, 108 और 72। क्योंकि जो दो आसन्न कोण हैं, अगर वो 108, 72 हैं, तो जो दूसरे हैं वो भी दो आसन्न कोण होंगे, वो भी दोनों बराबर ही होंगे। तो फिर जो चारों कोण आएंगे वो हमारे कैसे आएंगे, 108, 72, 108 और 72। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करें। अब समांतर चतुर्भुज है, कोणों का माप बराबर है, योग जो होता है वो 180 होता है, जो बराबर कोण है वो एक्स एक्स ले लेते हैं हम, तो एक्स प्लस एक्स 2x होता है, इक्वल टू 180 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90। अब एक्स की वैल्यू 90 आ गई, तो 90 का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक कोण समकोण होगा, 90 डिग्री मतलब प्रत्येक कोण समकोण होगा।